कौन कौन यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ है सोना के विधायक तेजपाल तंवर। जिस तरह से यहाँ पर सोना में एक होली समारोह किया गया, यहाँ पर विधायक तेजपाल तंवर के साथ सभी गांव के सरपंच और समर्थक और यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व के मौके पर, होली के क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बहुत बहुत भाई सबको, सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूरे हलके के लोग, सरपंच, पंच, हमारे पार्षद, हमारे चेयरमैन, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर और हल्का के मौजूद आदमी, आज सब लोग नहीं, मौजूद आदमी सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनको भगवान की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चुनावी माहौल है, इसमें क्या लगता है, जिस तरह से आचार संहिता लागू हुई है लेकिन फिर लोगों के बीच में आए हैं, क्या मायने रखते हैं कि इस त्योहार के मौके पर जिस तरह खुशी का माहौल दिख रहा है वो क्या बताना चाहेंगे आप? आचार संहिता लग रही है लेकिन आचार संहिता से त्योहारों का कोई मतलब नहीं है। बाकी ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक सुनामी आई है और लोकसभा चुनाव में हम बहुत भारी मतों से जीत हासिल करेंगे अपने जिले गुड़गांव में। पहले मोदी का जादू चला था कि एक चाय वाला, जिस तरह से अब चौकीदार सबने लगा दिया है, क्या आपने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया है? आज हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया, हम है ही चौकीदार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, पहले उन्होंने उनके नाम से वोट मिली थी, इस बार उनके नाम से भी और उनके विकास यानी उनके काम से भी आज जनता उनको वोट देगी। हमने विधायक तेजपाल तंवर से बात करनी चाहिए, उसने कहा कि मैंने भी अपने नाम के सामने चौकीदार लगा दिया गया, क्योंकि एक चौकीदार ही घर की सेवा कर सकता है, रुखाली कर सकता है। मैं भी एक चौकीदार बनके अपनी जनता का जो चौकीदार बनूंगा, जो सोना की जनता है उसका चौकीदार बनकर उनकी रगनारी करूंगा। ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह आज जो माहौल यहाँ देख रहा है तो यही लगता है कि होली का जो जश्न यहाँ बनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, यहाँ पर जो विधायक तेजपाल तंवर यहाँ पर बनाया। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं सूरजवन, खबरें अभी तक सोना।